सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फिटोल जोन। तुम्हारा भाई दिलशाद खान तुम्हारे साथ है, मिस्टर दिल्ली, मिस्टर यूपी, मिस्टर नॉर्थ इंडिया। और भाई, आज का टॉपिक होने वाला है हमारा बिगनर्स के लिए स्पेशली। जनरली मैं वीडियो बनाता नहीं हूँ, पर कुछ दिनों से मुझे मैसेजेस आ रहे हैं और मैंने जिम में भी जो जाके ऑब्जर्व किया कि जो भाई हमारे स्पेशली बिगनर है ना, बिगनर, उनको मालूम ही नहीं है भाई क्या करना क्या है और क्या एक्सरसाइज करनी है, कौन से पैटर्न को फॉलो करना है, किस दिन चेस्ट करना है, किस दिन बैक करना है, एप्स किस दिन करना है। तो बड़ी कंफ्यूजन है भाई। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का, सिर्फ 2 मिनट लूँगा। 2 मिनट में जो कंफ्यूजन है वो दूर कर दूँगा। तो भाई ऐसा है, स्पेशली मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो बिगनर्स हैं, ठीक है। तो भाई आपको कंफ्यूज नहीं होना, किसी की बातों में नहीं आना कि भाई डबल पार्ट करें या सिंगल पार्ट करें, एब्स कब करें, कुछ नहीं करना है भाई। आपने जिम शुरू किया है, सबसे पहले जाना है डेली, एक एक्सरसाइज को फॉलो करना है आपको। डेली एक ही एक्सरसाइज करनी है आपको। जैसे मंडे आप चेस्ट कर सकते हो, ट्यूसडे बैक कर सकते हो, उसके बाद बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, शोल्डर्स एंड थाइस। और ऐसा नहीं है कि उसी दिन आप एब्स भी कर रहे हो, एब्स भी जल्दी बनाने। नहीं भाई, कम से कम 1 मंथ आपको ये फॉलो करना है। और इन एक्सरसाइजों की सिर्फ तीन से चार एक्सरसाइज आपको करनी है। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है एक्सरसाइज को अब्जॉर्ब करना, ठीक है, कि आप कैसे कर रहे हो, उसको सही वे में फॉलो करना और ट्रेनर्स को फॉलो करना, जो ट्रेनर्स कहते हैं उसको फॉलो करना, ना कि अपनी मर्जी से एक्सरसाइज को करना। नहीं तो भाई आप इंजरी खा सकते हो, ठीक है, परमानेंट डैमेज हो सकते हो, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है भाई इसमें, आपको डबल पार्ट नहीं करना है। नए नए गए हो, दो तीन पार्ट मार रहे हो, मसल सोरनेस इतनी हो जाएगी अगले दिन आ नहीं पाओगे भाई, ठीक है। तो समझ आ रहा है ना भाई, करना यह है डेली एक एक्सरसाइज करनी है आपको। मंडे चेस्ट करना है, ट्यूसडे बैक करना है, उसके बाद बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, शोल्डर्स एंड थाइस। इसको फॉलो करना है भाई कम से कम 1 मंथ, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। और आप चाहते हो उसके बाद क्या करना है मैं आपको बताऊं, तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन के बटन को दबा देना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक भी कर देना, ताकि मैं आपके लिए आगे वीडियो बनाता रहूं। और अगर आपकी कोई भी क्वायरीज हो, वो कुछ पूछना हो, तो आप मैसेज कर सकते हो, मैं उसके लिए भी आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।